वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार और इस त्योहार में चाहिए ढेर सारी मिठाइयाँ और रसगुल्ले, वो तो सभी के फेवरेट हैं। देखिए इन रसगुल्लों को, ये कितने वाइट, जूसी और स्पॉन्जी हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम देखते हैं। हमें चाहिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क, विनेगर 2 टेबलस्पून, चीनी 1.5 कप। सबसे पहले हमें अपने दूध में से छेनी को अलग करना है। इसके लिए हम अपने दूध को सबसे पहले बॉईल करेंगे। हम अपने दूध को अच्छे से चलाते हुए बॉईल करेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। हमें अपने दूध को सिर्फ एक उबाल आने तक बॉईल करना है। एक उबाल आते ही हमें अपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पॉइंट में ऐड कर देंगे हम विनेगर को, और विनेगर को अच्छे से मिलाते हुए हमें अपने छेने को अलग कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, छेना बहुत अच्छी तरह से अलग हो चुका है। देखिए कितने अच्छे छेने निकले हैं। देखिए पानी भी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर में अपने सारे छेने को डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। हम उसे 2 से 3 बार वॉश करेंगे। देखिए मैंने अच्छी तरह से छेना को वॉश कर लिया है। अब हम अपने छेने की पोटली बनाकर इस तरह से सारे एक्स्ट्रा पानी को निचोड़ लेंगे। ध्यान रहे हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं निकालना है। अब हम इस तरह से एक प्लेट पर अपने छेने को रखकर किसी भारी चीज से दबा देंगे कुछ इस तरह से, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने छेने को अलग से निकाल लेंगे। देखिए हमारा छेना बिल्कुल तैयार है। अब हम एक इस तरह का प्लेट लेंगे और छेने को अपने हथेली की इस हिस्से से अच्छे से मसल मसल कर चिकना करेंगे। देखिए हमारा छेना कितना बढ़िया निकला है। अब हम अपने छेने को अच्छी तरह से मसलते हुए चिकना करेंगे। हम इसे तब तक मसलेंगे जब तक कि इसका एक स्मूथ डो ना तैयार हो जाए। ध्यान रहे हमें छेने को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए मसलना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम अपने छेने को ज्यादा मसल कर चिकना कर देंगे तो हमारा रसगुल्ला सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनेगा, वो अंदर से हार्ड हो जाएगा। देखिए हमने अपने छेने को मसलते हुए चिकना डो बना लिया है। अब हम इसमें से छोटे छोटे पोर्शन लेके अपने पसंद के आकार का चिकना गोला तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए मैंने सारे रसगुल्ला बॉल तैयार कर लिए हैं। अब हम एक इस तरह का बर्तन लेंगे, हम थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप चीनी, और उसमें ही ऐड कर देंगे हम 1.5 कप पानी। जी हाँ, सिर्फ 1.5 कप पानी। और अपने फ्लेम को ऑन कर लेंगे और उसे चलाते हुए हम अच्छी तरह से अपनी चीनी को पिघलने देंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए मीठा शुगर सिरप, क्योंकि जब हमारे रसगुल्ले तैयार हो जाएंगे तब हमें इनकी जरूरत होगी। तो हमें अपने चीनी को अच्छी तरह से पिघलने का वेट करना है। जब हमारा चीनी पिघल जाएगा तब हम उसमें से कुछ शुगर सिरप अलग कर लेंगे। देखिए हमारा चीनी पिघल चुका है। अब हम इसमें से तकरीबन 1/2 कप के करीब शुगर सिरप अलग कर लेंगे। देखिए अलग कर लिया मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप पानी। 1, 2, 3। ये हमने इसलिए डाला क्योंकि हमने 1.5 कप चीनी लिया था। अब हम इसमें
एक अच्छा बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल बहुत तेज होना चाहिए, देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने रसगुल्ला बॉल्स को। देखिए मैंने अपने सारे रसगुल्ला बॉल इसमें ट्रांसफर कर दिए हैं। अब हम इसे ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे, पूरे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद देखिए हमारे रसगुल्ले के बॉल्स ये बिल्कुल डबल हो चुके हैं। अब हम इसे हल्का चलाकर फिर से 5 मिनट के लिए पूरी हाई फ्लेम पर इसी तरह से ढक देंगे। ध्यान रहे हमारा फ्लेम हमेशा हाई होगा। देखिए फिर से 5 मिनट के बाद देखिए हमारे रसगुल्ला बॉल है ना डबल और बिल्कुल गोल गोल। अब हमें अपने फ्लेम को ऑफ कर देना है क्योंकि हमारा रसगुल्ला तैयार है। जी हाँ, अब हमें यहाँ से फॉलो करने हैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक। हमें चाहिए एकदम ठंडा पानी, देखिए इस तरह से बर्फीला पानी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने रसगुल्ले बॉल्स को। ये प्रोसेस हमें बहुत इंस्टेंट करना है, तुरंत। जैसे ही हम फ्लेम से अपने रसगुल्ले को हटाएंगे, हम इस पानी में अपने सारे बॉल्स को ऐड कर देंगे। ऐसा करने से कुकिंग प्रोसेस तुरंत रुक जाता है और हमारे रसगुल्ले में अच्छा स्पॉन्ज आता है। देखिए ये कितने गोल है और स्पॉन्ज देखिए इनका, है ना। देखिए मैं इसे वापस डालती हूँ और देखिए वापस ये फिर से गोल हो चुके हैं, है ना मजेदार। 10 मिनट के बाद हम एक इस तरह का बॉल लेंगे और हम इसमें अपने रसगुल्लों को अलग कर लेंगे। रसगुल्लों को अलग करते वक्त हम एक्स्ट्रा पानी को दबाते हुए निकाल देंगे। देखिए दबाने के बाद भी हमारे रसगुल्ले कितने फुले फुले हैं, इससे ही पता चल रहा कि हमारा रसगुल्ला कितना स्पॉन्जी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने शुगर सिरप को जो हमने पहले से निकाल कर रखा था। इससे क्या हुआ, हमारे रसगुल्ले फिर से मीठे हो गए। और हम इसमें एक्स्ट्रा शुगर सिरप डाल देंगे जिसमें हमने रसगुल्लों को पकाया था। देखिए तैयार है हमारा जूसी और टेम्पटिंग रसगुल्ला। अब हम इसका स्पॉन्ज चेक करते हैं। देखिए देखिए कितना स्पॉन्जी है और कितना जूसी। देखिए इसे वापस से डाल रही हूँ। देखिए ये फिर से गोल हो गया। तैयार है हमारा रसगुल्ला। देखिए मैं यहाँ फिर से इसका स्पॉन्ज दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से निचोड़ा पूरी तरह से। अब इसे वापस डाल दूंगी। और देखिए ये वापस हो गया ना फिर से गोल। तो देखा आपने कितना आसान है ये रसगुल्ला बनाना, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने हैं। देखिए मैंने इसे एक बोल भी निकाल लिया, ये लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला। तो इसे आप भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।